हिंदी साहित्य का जो इतिहास है लगभग 1000 वर्षों का रहा है। साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि आज के समय में क्या है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ठीक है, छापे खाने हैं, प्रिंटिंग प्रेस हैं। उन दिनों आप सोचिए, जब बहुत पहले की बात हो रही है, 1000 साल पहले आप चले जाइए, तो कैसे दिक्कतें आती होंगी, प्रकाशन से लेकर के, पांडुलिपियों के प्रकाशन से लेकर हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किन आधारों पर साहित्य का इतिहास लिखा जाए, तो कुछ संस्थाएं और कुछ व्यक्तियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया। जैसे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी, उसने बहुत सारे ग्रंथों को खोजा, इकट्ठा किया, उनका प्रकाशन किया, पांडुलिपियां एकत्रित की। खुदाबख्श खान लाइब्रेरी पटना हो गया, राष्ट्रभाषा परिषद है, नागरी प्रचारिणी सभा है। तो ये संस्थाएं जो थी, इन्होंने इतिहास लेखन के लिए सामग्री उपलब्ध कराई, सामग्रियों का संकलन किया। एक तो ये संस्थाएं हो गई, और दूसरे कुछ व्यक्ति हुए, कुछ लेखक हुए, जिन्होंने अपने समय के अन्य लेखकों के बारे में लिखा, उनकी रचनाओं को संग्रहित किया। तो इन दो आधारों से इतिहास लेखन की सामग्री मिलती है, जिसको आधार बनाकर आगे इतिहासकारों ने साहित्य का इतिहास लिखा। जैसे कि कुछ रचनाओं में राशि वैष्णवन की वार्ता है, या 252 वैष्णवन की वार्ता है, ये गोकुलनाथ की रचना है, ठीक है, इन्होंने दो रचनाएं लिखी। फिर नाभादास की रचना भक्तमाल है, ठीक है, अर्जुन देव द्वारा संपादित गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इन रचनाओं में बहुत सारे कवियों और लेखकों की रचनाएं और उनका परिचय इत्यादि मिल जाता है। तो ये दो स्रोत थे मूल रूप से, कुछ संस्थाएं जिन्होंने रचनाओं और ग्रंथों को खोजने का काम किया, संग्रहित करने का काम किया, और कुछ लेखक व्यक्ति जिन्होंने अपने समकालीन लेखकों और कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया, जिससे एक आधार मिला हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को आगे बढ़ाने का। स्पष्ट है बात, समझ में आ गई? अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत हुई, वह व्यक्ति जिसने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, वह कोई भारतीय नहीं था, वह एक फ्रांसीसी विद्वान था, जिसका नाम था गारसा द तासी। ये फ्रेंच विद्वान थे। और विडंबना देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, और किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, और लेखक थे गारसा द तासी, और पुस्तक का नाम था इस्त्वार दला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी। नाम बड़ा है, ठीक है। यह किताब दो भागों में है, ठीक है। पहले भाग का प्रकाशन, इस किताब के पहले भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ, और दूसरे भाग का प्रकाशन जो था वो 1847 में। आई बात समझ में? इस इतिहास का अनुवाद किया, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में थी तो इसका अनुवाद भी किया, और इसका अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और इन्होंने उस अनुवादित पुस्तक का नाम दिया हिंदुई तथा हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, ठीक है। इस किताब की कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। चूंकि साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में यह पहली कोशिश थी, तो पहला इतिहास ग्रंथ होने का गौरव भी इस किताब को प्राप्त है, इस्त्वार दला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी को, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कवियों का जो विवरण दिया वो वर्ण क्रमानुसार दिया। वर्ण क्रमानुसार देने का मतलब यह है बच्चे कि किसी कवि का नाम कौसे है, ठीक है, तो पहले वे आएंगे, फिर ख से, फिर ग से। आई बात समझ में? यानी कि जो वर्णों का क्रम है उस हिसाब से इन्होंने कवियों का वर्णन किया, जो कि उचित नहीं है, जो कि वैज्ञानिक नहीं है। कवियों का वर्णन समय के हिसाब से होना चाहिए कि कौन सा कवि किस समय में था, किस तरह की रचनाएं कर रहा था। साथ ही साथ इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को एक साथ मिला दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी यह इतिहास इस दृष्टिकोण से जरूर महत्वपूर्ण रहा कि साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया था। इसमें न तो इन्होंने काल विभाजन किया कि विभाजन किया, नामकरण कर रहा हो, हर विभाजन करने के बाद हर युग का नाम क्या दिया जाता है, ये सारी चीजें इन्होंने नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में गारसा द तासी का प्रयास महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया। आई बात समझ में? गारसा द तासी के बाद एक जो दूसरे विद्वान हुए
शिव सिंह शेंगर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। यह किताब 1883 में प्रकाशित हुई। यह किताब इतिहास ग्रंथ की किताब नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इस किताब में लगभग 1000 कवियों का जीवन परिचय है और उनकी कविताएं इत्यादि उसमें संकलित हैं, तो इतिहास के रूप में यह किताब न होते हुए भी आगे के इतिहास लेखकों के लिए यह किताब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों को आगे साहित्य इतिहास लिखने के लिए इस किताब से बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। स्पष्ट है बात? इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो तीसरा नाम आता है, और वह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही अर्थों में साहित्य इतिहास को समेकित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से अगर लिखने का किसी ने प्रयास किया तो वह विद्वान था जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किताब लिखी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और इस किताब का प्रकाशन 1888 में हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और सही अर्थों में बहुत सारे विद्वान आलोचकों का भी यह मानना है कि सही अर्थों में इस किताब को साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, वास्तविक अर्थों में इस किताब को साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, काल का विभाजन किया, युगों का नामकरण किया, उस समय जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया, बहुत सारी विशेषताएं थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा का क्षेत्र निर्धारित किया। क्षेत्र निर्धारित करने का मतलब कि इसमें उन्होंने फारसी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत को अलग किया और सिर्फ हिंदी के जो कवि थे या हिंदी भाषा की जो चीजें थी उसका वर्णन इस किताब में उन्होंने किया, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल आता है, भक्ति काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था, तो किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये इनकी उपलब्धियां रही थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो विद्वान आते हैं वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु तीन भाई थे, इसलिए मिश्र बंधु कहा गया, ठीक है। ये थे सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, यानी कि तीनों भाई थे और तीनों मिल करके ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम रखा मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम रखा? मिश्र बंधु विनोद। और यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इस अर्थ में कि इस किताब में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त और उनका परिचय देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे वैज्ञानिक इतिहास लेखक और जिस इतिहास को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और जो सबसे अधिक पढ़ा जाता है, बार बार जिसकी तरफ साहित्य के विद्यार्थी साहित्य का अध्येता लौटते हैं, वह किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए उन्होंने मिश्र बंधु विनोद का सहारा लिया, ठीक। तो परंपरा दर परंपरा चीजें आगे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे विकास होता जाता है। पहले के कुछ साहित्य इतिहासकारों ने कोई किताब लिखी तो आगे के जो साहित्यकार साहित्य इतिहासकार थे उन्होंने उन पुरानी किताबों से बहुत सारी चीजें ग्रहण की, अनुसंधान किए, देखा, समझा और चीजें एक एक तरह से जुड़ती चली गई और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का भी धीरे धीरे विकास होता चला गया। आप कल्पना करिए कि फ्रेंच में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा जाने लगा, ठीक है। इस किताब की एक और विशेषता यह है कि इसमें साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है और साथ ही साथ साहित्य के विविध पक्षों पर भी मिश्र बंधुओं ने प्रकाश डाला। स्पष्ट है? तो आप एक एक करके देखें, सबसे पहले गारसा दत्तासी, फिर शिव सिंह, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु के बाद जो नाम आता है वह नाम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लोकप्रिय, और उसको उस उनके लिखे गए इतिहास को हिंदी साहित्य का सबसे वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है।
और वो व्यक्ति थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और आपको बता दूं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वाधिक सम्मान श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने जो किताब लिखी, जो इनकी किताब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, वह दरअसल किताब के रूप में नहीं थी, किताब के रूप में वो किताब उन्होंने नहीं लिखी। काशी नागरी प्रचारणी से वित्तकोश प्रकाशित हो रहा था हिंदी शब्द सागर, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में, 1929। और वह जो भूमिका थी, जैसे किताब की भूमिका आप देखते हैं ना, किताब होती है तो किताब की भूमिका होती है कि इस किताब में क्या है, क्या चीजें होती है। तो जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, वही भूमिका आगे चलकर एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशेष महत्व रखता है कि उन्होंने बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए साहित्य इतिहास को लिखा, काल का विभाजन किया, सिर्फ कवियों का परिचय ही प्रस्तुत नहीं किया, उनकी कविताओं का मूल्यांकन भी प्रस्तुत किया, काल के विभाजन के साथ साथ हर युग का एक नाम दिया, नामकरण किया युगों का, और युग का नामकरण युग की प्रवृत्तियों के हिसाब से किया कि उस समय में कौन सी प्रवृत्ति साहित्य में सर्वाधिक प्रचलित थी या लिखी जा रही थी, उन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने साहित्य के युगों का नाम रखा। और साथ ही साथ उन्होंने भक्ति काल को निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दो भागों में विभक्त किया, निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में विभक्त किया, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्य को भी दो भागों में विभक्त किया, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सूक्ष्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक माइलस्टोन यानी कि एक मील का पत्थर जोड़ा, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और शुक्ल जी के इतिहास लेखन की बड़ी विशेषता यह है कि उसको वो समाज से और जनता की चित्तवृत्तियों से जोड़ते हैं। उन्होंने लिखा भी है काल विभाग के अंतर साहित्य इतिहास की परिभाषा देते हुए कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह आवश्यक है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो समाज और साहित्य के अन्योन्याश्रय संबंध को वो रेखांकित करते थे और युगीन परिस्थितियों पर उनकी पूरी निगाह थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस दृष्टिकोण से साहित्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आई बात समझ में? हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। इन्होंने युगीन दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया। साहित्य की कई ऐसी प्रवृत्तियां थी जो स्वस्थ परंपरा के विकास के रूप में विकसित हुई, उस पर उनका ध्यान कम था। जैसे कि भक्ति काल के उदय को आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह मुसलमानों के आक्रमण से पैदा हुआ, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि जो सिद्धनाथ साहित्य चला रहा था, जो वेदों की ऋचाएं चली आ रही थी प्राचीन काल से, उसका विकास है भक्ति काल। तो युगीन दृष्टिकोण था आचार्य शुक्ल का, लेकिन इसके बावजूद भी यह इतिहास सर्वाधिक महत्व रखता है। साथ ही साथ इन्होंने अपने समकालीन साहित्य का मूल्यांकन कम किया। प्रेमचंद के बड़े सारे महत्वपूर्ण उपन्यास इनके समय में आ चुके थे, इसका मूल्यांकन इन्होंने नहीं किया। नाटक और कहानियों के बारे में विशेष तौर पर इन्होंने उल्लेख नहीं किया। छायावाद का जो इन्होंने मूल्यांकन किया वह भी बहुत विशेषार्थ नहीं रख सका, लेकिन इन सबके बावजूद भी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की जो परंपरा है, उस परंपरा में अगर सबसे वैज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टिकोण का अगर किसी ने परिचय दिया तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आई बात समझ गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो महत्वपूर्ण नाम आता है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीन महत्वपूर्ण किताबें, एक हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, और दो किताबें और हिंदी साहित्य का आदिकाल और भाषा का उद्भव और विकास, ये दोनों किताबें 1952 में आई। स्वतंत्र रूप से ये किताबें साहित्य इतिहास लेखन
साहित्य के इतिहास की ये किताबें नहीं है स्वतंत्र रूप से, लेकिन इन किताबों में जो अनुसंधान परक लेख हैं, जो उनकी दृष्टि है, जो उनके विचार हैं, वो विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि साहित्य के इतिहास को देखने समझने का एक नया नजरिया पाठक को मिलता है और साहित्य के अध्येताओं को मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण जैसे कि मैं आपको दूं कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण युगीन दृष्टिकोण था साहित्यिक प्रवृत्तियों को लेकर और साहित्य के विकास को लेकर के, लेकिन इन्होंने परंपरा को भी सबसे अधिक महत्व दिया और कई ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह परंपरा का विकास है। जैसे कि भक्ति काल, भक्ति काल को उन्होंने भारतीय चिंतन मनीषा और भारतीय परंपरा का विकास माना। इनकी जो मान्यताएं थी वो महत्वपूर्ण रही। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल नाम दिया था, चार कालखंडों में विभाजित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व इस बात में देख लीजिए कि तीन नाम तो स्वीकृत है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, लेकिन वीरगाथा काल नाम पर असहमतियां हैं बहुत सारी। और उस असहमति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी एक महत्वपूर्ण असहमति है कि जो जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जिसमें वीरता के पूर्ण वर्णन थे, उसमें बहुत सारे ग्रंथ अप्रमाणिक है और बहुत सारे अप्राप्य हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल की जगह आदिकाल नाम सुझाया, आदिकाल नाम उन्होंने दिया। तो जो प्रचलित नाम है उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये चार कालखंड हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजित किए गए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात चल रही थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये जो तीन किताबें हैं वो साहित्य इतिहास को पढ़ने समझने का एक नया नजरिया देती हैं। इनके अनुसंधान परक जो लेख हैं, जो विचार हैं, उससे एक नवीन दृष्टि साहित्य के इतिहास को देखने को मिलती है। और यही खूबसूरती है, खूबसूरती भी इसी बात में होनी चाहिए कि एक ही चीज को आप मानते ना चले जाए, नई स्थापनाएं करें, उसके लिए खोज करें, उसके लिए विचार रखें। और ये काम बखूबी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद एक नाम आता है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक किताब लिखी, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ था, ठीक है। और यह किताब, इस किताब में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी का जो समय है उसमें जो घटनाएं हैं, जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, उसका उल्लेख है, यानी कि यह भक्ति काल तक आता है। तो किताब महत्वपूर्ण है, कलात्मक वर्णन है किताब में कवियों की रचनाओं का, लेकिन यह एक तरह से भक्ति काल तक ही सीमित है, इसलिए इसको हम आप अधूरा इतिहास मान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस इतिहास का अपना एक विशेष महत्व है, ठीक है। इसके बाद नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कई लेखकों के सामूहिक प्रयास से प्रकाशित करवाया, और यह किताब 16 खंडों में प्रकाशित, और एक एक खंड के अलग अलग संपादक थे। वृहद, बहुत विस्तार से यह किताब लिखी गई है और महत्वपूर्ण किताब है यह साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से। लेकिन चूंकि अलग अलग लेखक हैं इसमें, ठीक है, तो अलग अलग चीजों को देखने का नजरिया है, तो एक रूपता नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य इतिहास के अध्येताओं और पाठकों के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब बृहद इतिहास आया, उसके बाद से कई लेखकों का मिलकर सामूहिक प्रयास शुरू हो गया अलग अलग ढंग से साहित्य इतिहास के बारे में सोचने और लिखने का। इसी दृष्टिकोण से डॉक्टर नगेंद्र की किताब, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, डॉक्टर नगेंद्र ने भी जो हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, उसमें कई सारे लेखकों का योगदान देखने को मिलता है, और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का निरंतर विकास होता चला गया, और आगे और सारे महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकारों ने किताबें लिखी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास स्वरूप चतुर्वेदी की किताब, पतली सी किताब एक आती है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो इस तरह से किताबें लिखी गई। 1965 में, 1965 में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से भी एक किताब का प्रकाशन करवाया, और वह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी ये मान्यता थी कि पिछले 20-30 सालों में नई नई खोजें आई हैं, नई नई दृष्टियां आई हैं, नए नए तथ्य सामने उभर करके आए हैं, इसीलिए
रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं से चिपके रहना जरूरी नहीं है। नई खोजों और नए तथ्यों के आधार पर साहित्य के इतिहास में नई नई चीजें जुड़नी चाहिए। और इन्होंने साहित्य के इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा, प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। तो ये जो परंपरा है निरंतर साहित्य इतिहास लेखन की, वो आज भी लगभग जारी है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा, ठीक है, और लगातार लिखा जा रहा है, साहित्य की किताबें लिखी जा रही हैं, साहित्य इतिहास की किताबें लिखी जा रही हैं। और ये समय की मांग भी है कि जैसे जैसे चीज़ें तथ्य हमारे सामने आए, प्रामाणिकता के साथ आए, अनुसंधान हो, तो साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की संभावनाएं बार बार बनती रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आचार्य शुक्ल की जो मान्यताएं हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यताएं हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में अपने अपने प्रयास किए। आई बात समझ में? तो इस तरह से साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत होती है गालसा दत्तासी से। फिर आप इसमें गालसा दत्तासी के बाद शिव सिंह सेंगर का नाम ले सकते हैं, ठीक है, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, फिर मिश्र बंधु आ जाते हैं, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं, द्विवेदी के बाद रामकुमार वर्मा आ जाते हैं, ठीक है, रामकुमार वर्मा के बाद गणपति चंद गुप्त आ जाते हैं, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है वो आ जाता है, डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, और उसके बाद आप समकालीन किताबें जो कि प्रचलन में है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब इत्यादि का आप उल्लेख करते हुए और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, आगे समझ में।